गया है जिससे किसी भी संदिग्ध व्यक्ति के उसके सामने आते ही हर तरफ अलार्म बज उठेगा। कैसे, चले आप भी देखें। शिरडी यानी साईं का पावन धाम, लेकिन अब इस पावन नगरी पर नजर है आतंकियों की। हमेशा से ही साईं मंदिर आतंकियों की हिट लिस्ट में रहा है, इसलिए अब मंदिर की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए मंदिर के परिसर में हाईटेक सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। 4.5 करोड़ की लागत से लगे इस सुरक्षा यंत्रणा में फेस रिकग्निशन सिस्टम लगाया गया है, जिसके जरिए किसी भी संदिग्ध व्यक्ति के कैमरे के सामने आते ही एक अलार्म बजने लगेगा। इस अनोखे और मजबूत सिस्टम से मंदिर में आने वाले किसी भी अपराधी को पकड़ा जा सकेगा। क्राइम करने वाले यानी गुनहगारी प्रवृत्ति के लोग भी यहाँ आते हैं, ऐसी जानकारी अभी तक हमें हमेशा मिली रही है। और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो NIA और स्टेट CID क्राइम ब्रांच से जो गुनहगार प्रवृत्ति के लोग हैं, क्राइम करने वाले लोग हैं, उनके बारे में उनका डाटा और उनका फोटोग्राफ संस्थान के सिक्योरिटी सिस्टम को मिलेगा, तो आने वाले गुनहगार प्रवृत्ति के लोगों को रोकने में भी हम सफल हो सकते हैं। किसी भी क्रिमिनल्स का या पिक पॉकेटर्स का हम अगर फोटो इसके अंदर एज ए डाटा एडमिनिस्ट्रेटर अगर हम अपलोड कर देते हैं, तो उसके बाद ये फिर से अगर हमारे कैमरेज के पास उस फेस के अगर कोई भी व्यक्ति पाए जाते हैं तो वो फाइंड कर देता है और हमें ये सिग्नल दे देता है, अलार्म दे देता है कि ये इस गेट पे या इस जगह पर ये पर्टिकुलर पर्सन यहाँ पर पाए गए हैं, जस्ट लाइक एज अ क्रिमिनल फाउंड। इस सिस्टम में अपराधी की तस्वीर को फिट करना पड़ेगा। जैसे ही वो अपराधी कैमरे के सामने आएगा, कैमरे का अलार्म बज उठेगा। इस सिस्टम के लगने से अपराधी को आसानी से पकड़ा जा सकेगा। इस हाईटेक सिस्टम को मंदिर के हर कोने में लगाया गया है, लेकिन अब साई संस्थान सरकार से अपराधियों के डेटा और उनकी फोटो की मांग कर रहा है, जिसे सिस्टम में फिट किया जाएगा। लेकिन अब ये सरकार पर निर्भर करता है कि वो अपराधियों की जानकारी कब तक संस्थान तक पहुंचाता है। शिरडी से सुनील दबंगे के साथ मुन्नी परिहार, समय मुंबई।